सर, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी पानी बचाने की प्लेज लें, बिकॉज 92.7 बिग एफएम लेकर आया है पानी बचाओ आंदोलन, और आप सब हमारा साथ दें। और सर, अब पानी डोनेट करने वाले हैं, प्लीज। सब कहते हैं कि बिना बूंद से घड़ा भरता है, और कहीं ना कहीं आप भी जो है पानी बचा रहे हैं बूंद बूंद से, संगीत से अब जो है वो घड़ा भर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? भैया, बात यह है कि आप एक एक पैसा भी रोज एक जगह रखें तो महीना भर रखें तो उसमें 30 पैसे हो जाते हैं। इसी तरह हर चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो अंदर के अंदर की मोहब्बत, अंदर का अपना प्रोफेशन, जो भी आदमी उसको प्यार करेगा, अपने प्रोफेशन को मोहब्बत करेगा, या अपने मुल्क को मोहब्बत करेगा, अपने साथियों को, अपने आने जाने वालों को, अपने मुआशरे को का ख्याल करेगा, वो सही इंसान होता है। आपने पूरी दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए हैं, शोज़ करे हैं, इतने लोगों का प्यार बटोरा है, तो जब आप इंडिया आते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान आते हैं, तो क्या फील आती है? जब हिंदुस्तान आते हैं तो ये फील आती है कि मैं वही पाकिस्तान बैठा हूँ और हिंदुस्तान बैठा हूँ, एक ही बात, एक ही चीज। क्योंकि मैं वहीं से, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो 1980 में मैं आया था फर्स्ट टाइम, फरवरी अपना यही महीना था, मई का, मई, इस वक्त 33 साल हो गए मुझे आते हुए। तो यहाँ भी मुझे प्यार मिला, और वहाँ से वहाँ जब शुरू हुआ, वहाँ से जब मेरा नाम, मेरी कैसेट्स, मेरी सीडीज़ वगैरह यहाँ आ चुकी थी जब मैं 98 में आया, तो बहुत, तब से लेके अब तक बहुत प्यार मिला। राम साहब, आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चीज़ें लगती हैं कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक जैसी हैं? यार, आप भी जैसे आप हो वैसे वहाँ भी हैं, हम एक ही जैसे लोग, सिर्फ ये है कि आपस में और प्यार बढ़ना चाहिए और सुर मिलना चाहिए। वो ये बहुत